ढल गया आशूर का सूरज, आ गई गरीबों की शाम, उजड़े हुए काफिले की शाम, जले हुए खैमों की शाम। हुसैन जो काफिला 28 रजब को लेकर चले, 10 मुहर्रम को सर कटाकर जमीन करबला पर सो रहे हैं। 72 लाशें हुसैन उठा उठा कर थक गया तो एक बार
जब आखिरी हमला करके वापस पलटे तो आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना, ऐ नफ्स मुतमईना तेरा रब तेरा इंतजार कर रहा है, आजा अपने रब की बारगाह में वापस आ जा, अपने रब की बारगाह में वापस आ जा। अल्लाह ने हुसैन की रजा का ऐलान करते हुए दुनिया को बताया, मैं हुसैन से राजी, हुसैन मुझसे राजी। आज तक आवाज कुदरत गूंज रही है, लाओ कोई ऐसा बंदा जो साबित करे सर कटा के कि अल्लाह है, जो अपना घर लुटा के साबित करे कि अल्लाह है। 72 लाशें उठाने वाला हुसैन आखिर तलवार को नियाम में रखा, सर झुका के हुसैन बैठ गए रब की रजा के आगे राजी। आवाज आ रही थी, आजा मेरे बंदे, हुसैन ने कहा लब्बैक, परवरदिगार तेरा बंदा हाजिर है। बस ये देखना था कि भागी हुई फौजें पलट कर आई, जिसके हाथ में जो था उसने हुसैन को मारा। जिसके पास तलवार थी उसने तलवार से मारा। मेरा मौला जैनुल आबिदीन कहता है कि 72 शुहदा में से जिसको जिस शहीद को अलग अलग जख्म लगे हैं, वो सारे जख्म हुसैन को एक तन पर लगे। जितना जुल्म 72 के साथ अलग अलग हुआ, वो सारा का सारा हुसैन के साथ एक तने हुसैन पर हुआ। एक तन्हा हुसैन, फातिमा का लाडला हुसैन, रसूल का नवासा हुसैन, जैनब का भाई हुसैन, अकबर का बाबा हुसैन, बीबियों की आस हुसैन। खत्म हो रही है वो असर की शाम, जिस असर की अल्लाह ने कसम खाई कि वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर। आज उस सूरह असर का मतलब सामने आ गया कि खसारे में वे हैं कि जिन्होंने हुसैन को ज़िबह किया असर के वक्त, वो घाटे में हैं जो हुसैन के कत्ल में शरीक रहे। आज तक वल असर हुसैन की फतह का ऐलान कर रहा है। हुसैन घोड़े से कहने लगे, ऐ ज़ुलजनाह मुझे वहां ले चल जहां मेरी माँ इंतजार कर रही है, जहां मेरी माँ जहरा इंतजार कर रही है, ले चल मुझे मख्तल की जानिब ले चल। घोड़ा हमलों से बचाता हुआ अपने सवार को कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। पता चला जब बहुत दिन बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बताया, वो समझ रहा था कि हुसैन के जिस्म पर तीर पैवस्त हैं। वो फरासत वाला घोड़ा था, जहीन था, समझ रहा था अगर सख्त जमीन पर उतारूंगा सारे तीर जिस्म में अंदर तक पैवस्त हो जाएंगे, कोई तीर शायद आर पार भी हो जाए, तो वो कोई नर्म मिट्टी तलाश कर रहा था। जब उसे एक नर्म मिट्टी का टीला नजर आया तो घोड़े ने अपने को बिठाया, बिठाने के बाद लिटाया, लिटाने के बाद अपने सवार को नर्म मिट्टी पे उतारा। हुसैन उतर के बैठ गए, दो जानू होके बैठ गए, उधर से लोग पे लोग भेजे गए, जाओ वो सामने एक बागी बैठा हुआ है उसका गला काट के ले आओ, उसका गला काट के ले आओ, आहिस्ता आहिस्ता आपकी आवाजें बुलंद हो जाए। और जा रहे हैं लोग, और जो जो हुसैन को पहचानता जा रहा है वो हुसैन पर ईमान लाता जा रहा है। कुछ लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद एक शख्स जिसके हाथ में नैजा था, उसने नैजा हुसैन के दाएं पहलू से मारा, बाएं से बाहर आ गया। सिर्फ यही नहीं, उसने नैजे को वापस खींचा तो मेरे मौला ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि मैंने जब अपने बाबा को दफन किया तो मेरे बाबा के जिस्म में सुराख नजर आ रहे थे, मेरे बाबा के जिस्म में सुराख नजर आ रहे थे। एक शख्स और आगे बढ़ा, एक शख्स आगे बढ़ा, उसने एक बार कुछ नजर ना आया उसे, उसने चारों तरफ देखा, उसे एक पत्थर नजर आया, पत्थर उठाया, उसने हुसैन के सर पर मारा, हुसैन का सर शिगाफ्ता हो गया। क्या सुन रहे मेरे अजीजों, तुम्हारी आवाज बुलंद हो जाए, मुझे आना है शाम गरीबा तक, लेकिन सुनो तो कि हुसैन के साथ हुआ क्या है। इधर से चारों तरफ से आवाज गूंज रही थी, शादियानों की आवाजें आ रही थी,
तबल बज रहे थे, और उधर आलम यह है कि हुसैन की चार बरस की सकीना मुसल्ला बिछाकर इंतजार में है कि एक छोटा मुसल्ला अपने लिए बिछाया है, एक बड़ा मुसल्ला बाबा के लिए बिछाया है कि बाबा आएंगे तो असर की नमाज पढ़ेंगे, असर की नमाज पढ़ेंगे। जब बहुत देर हो गई और बाबा ना आया, एक बार अम्मा से इजाजत लेके सकीना दरे खैमा पे खड़ी हो गई। जब दरे खैमा पे खड़ी हुई, उसने देखा वो मेरा बाबा दूर बैठा हुआ है। सकीना की निगाह बाबा पर पड़ी, चाहती है कि बाबा के करीब जाए। एक बार दौड़ती हुई गई कहा बाबा मैं आ गई, बाबा में आ गई, बाबा मुझे सीने से लगा लो। अब देखा जैसे ही हुसैन ने कि सकीना आई है, एक बार हुसैन ने अपनी बाहों को फैलाया, आजा मेरी बेटी मेरे सीने से लग जा, आजा सकीना सीने से लग जा। हुसैन आग बंद करके बाहें फैला के बैठे रहे। बहुत देर हो गई, जब सकीना सीने से नहीं लगी, एक बार हुसैन ने आंखें खोल के देखा, सकीना इतनी देर से बाहें फैलाओ बेटा दुआ के सीने से नहीं लगती। सकीना ने रो कर कहा, बाबा आपके जिस्म पर जो तीर है वो बड़े हैं, मेरे बाजू छोटे हैं, मैं आपके सीने तक पहुंच नहीं पा रही। मातम करो औलाद वालों, मातम करो, यह हुसैन की मोहब्बत है बेटी से। एक बार बेटी से गले लगने की तमन्ना में हुसैन ने अपने जिस्म से तीरों को खींचना शुरू किया। एक एक तीर खींचते गए और अब आलम यह हुआ, आजा सकीना सकीना आजा सकीना, बाप के सीने से लिपटी, मुसलमानों सुनो हुआ क्या, सकीना बाप के सीने से लिपटी। जब देर हो गई, शिमर आगे बढ़ा, उसने सकीना को हुसैन से जुदा किया, लेकिन कैसे, एक बार सकीना के बालों में हाथ डाला, बच्ची को बाप से जुदा करके दूर फेंका गया। हुसैन ने आवाज दी, ज़ैनब मेरी सकीना से खबरदार। हाँ हाँ हाँ, मातम करो मातम करो, जो जुल्म हुसैन पर हुआ है खुदा की कसम आज तक बयान ना किया जा सका। ये तो कुछ भी नहीं है जो फौजे यजीद जुल्म कर रही थी, और हुसैन सब्र की मंजिल पर हर जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे। खत्म हो गई तकरीर मेरे अजीजों, असर गुजर रही है आहिस्ता आहिस्ता। वो मकाम आ गया, एक मलहून आगे बढ़ा, शिमर मलहून आगे बढ़ा, हुसैन वक्त आखिर सजदे में है। हुसैन को सीने के बल लिटाया, हुसैन सीने के बल लिटा दिए गए। शिमर ने अपना जानो वहां रखा जिस सीने के रसूल बोसे लिया करते थे। मातम करो मातम करो, जिस सीने के रसूल बोसे लिया करते थे। हुसैन ने देखा, हुसैन ने कहा, हाँ तू ही मेरा कातिल है, तू ही मेरा कातिल है। शिम ने कहा, तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हारा कातिल हूँ? कहा मेरे नाना ने बताया था, जो मेरा कातिल है उसके बर्स के निशान होंगे, उसकी शक्ल खंजीर जैसी शक्ल होगी। जैसी उसने ये सुना, एक बार गुस्से के आलम में कहता है, अच्छा तुम्हारे नाना ने मेरे बारे में ये कहा, तुम मेरे बारे में ये कहते हो, अब मैं तुम्हें तेज छुरी से ज़िबा नहीं करूँगा, अब मैं तुम्हें तेज छुरी से ज़िबा नहीं करूंगा। उसने छुरी को पत्थर पे मारना शुरू किया, छुरी छुरी से आरी में बदल गई। हुसैन को उल्टा लिटाया, पुश्त इतफा से पीछे से खंजर फेरना शुरू किया। एक एक ज़र्ब चल रही थी, एक एक नबी उतर रहा था। आखिरी ज़र्ब पर किसी बीबी की आवाज आ रही थी, अरे मैंने चकिया पीस पीस कर पाला है, अरे मैंने चकिया पीस पीस कर पाला है, क्या सुन रहे हो? एक बार जमीन करबला में जलजला आया, आधिया चलने लगी, फुरात का पानी नैजा उछलने लगा, सूरज को गहन लग गया, आवाज आई, अला कद कतल हुसैन अब करबला, हुसैन करबला में ज़िबा कर दिए गए, हुसैन करबला में ज़िबा कर दिए गए। आलम यह है कि एक बार ज़ैनब आगे बढ़ी, सैयद सज्जाद गश से चौको, बेटा गश से चौको, सैयद सज्जाद चौके, जी भूभी अम्मा, कहा देखो बाहर शादियाने बज रहे हैं, फुरात का पानी उछल रहा है, सूरज उगान लग चुका है, सवा नेजे में पानी है, बेटा देखो जाके मेरे माँ जाए की खैर हो,
मेरा भैया खैर से हो। सैयद सज्जाद ने कहा भूभी अम्मा मेरा आशा लाई है। जैनब ने आशा दिया, आशा के सहारे से सैयद सज्जाद खड़े हुए, कहा भूभी अम्मा खैमे का पर्दा हटा दीजिए, खैमे का पर्दा हटा। सैयद सज्जाद के हाथ से आशा गिरा, एक बार अंगुष्ट शहादत उठा के कहा अस्सलाम अलैका या अबता, भूभी अम्मा मेरे बाबा का सर नौके से ना पर है, मेरे बाबा का सर नौके सेना पर आ गया। खेमों में कोहराम बर्पा हो गया, खेमों में कोहराम बर्पा हो गया। रसूल अल्लाह की उम्मत रसूल के नवासे का पुरसा देने के लिए खेमों में आई, इस आलम में आई कि हाथ में शोले लेकर आई। खेमों को आग लगना शुरू हुई, खेमों को आग लगना शुरू हुई। बीबियां एक खेमे से दूसरे खेमे, दूसरे से तीसरे खेमे, और एक बार सैनब ने ज़ैनुल आबिदीन से पूछा ऐ इमाम वक्त खेमों को आग लग रही है, क्या कहते हो, चल के यही मर जाए या खेमों से बाहर निकले। मातम मातम मातम, अभी तो मसाइब शुरू कर रहा हूं मैं, आवाज तुम्हारी बुलंद हो जाए। ऐसी रिवायत जो पढ़ना जरूरी है वो पढ़ने जा रहा हूं। एक बार खेमे जल चुके, सूरज ढलने से चंद लम्हे पहले फिजा दौड़ती हुई आई। बीबी गजब हो गया, बीबी गजब हो गया, कहा फिजा अब क्या हुआ, अब तो सब लुट चुका, अब तो लाशें मक्तल में पड़े हुए हैं, खेमे भी जल चुके हैं, चादरें भी छिल चुकी हैं, अब क्या गजब हुआ। कहा बीबी घोड़ों की नाल बंदी हो रही है, घोड़ों की नाल बंदी हो रही है। जैनब ने दिल पकड़ लिया, कहा किस लिए, कहा इसलिए कि लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे, लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे। जैसे ही ऐलान हुआ कि इन लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे, एक एक शख्स आगे बढ़ा, अपने अपने कबीले वालों के लाशें उठा के ले गया। होर के कबीले वाले होर का लाशा ले गए, हबीब के कबीले वाले हबीब का लाशा ले गए, जुहैर के कबीले वाले जुहैर का लाशा ले गए, इब्ने औसजा के कबीले वाले इब्ने औसजा का लाशा ले गए, यहाँ तक के अली अकबर के ननिहाल वाले अली अकबर का लाशा भी ले गए। सब अपनी अपनी रिश्तेदारियां जता के लाशा ले गए कि हमारे रिश्तेदार का लाशा पामाल नहीं होगा। एक तने तनहा फातिमा का लाल रह गया, जहरा का लाल रह गया, अरे हजारों घोड़े फातिमा का लाल। और जैनब चिल्ला रही थी ये मेरा माज आया है, ये रसूल का नवासा है। अजरक उमर अल्लाह, अजरक उमर अल्लाह, हो गया पामाल हुसैन का लाशा, ढल गया आशूर का सूरज, निकल आया 11 मुहर्रम का चांद। सुबह तुमने सूरज से पूछा कि दिन में क्या हुआ, अब जरा आग उठा के चांद से पूछो कि लुटी हुई बेवाओं के साथ क्या हुआ, बच जाने वाले बच्चों के साथ क्या हुआ, हुसैन के खेमों के साथ क्या हुआ। खेमे जला दिए गए, सामान लूट लिया गया, चादरें छीन ली गई, कोई बच्चा इधर कोई उधर, सरासीमा होके बच्चे इधर से उधर भाग रहे थे। एक रावी कहता है मैंने देखा खेमों में आग लगी हुई थी, एक बुलंद कामत की बीबी बार बार किसी जलते हुए खेमे में जा रही थी। मैं कोई किस्सा कहानी नहीं सुना रहा, मुझे पता है ज़दारो तुम सुबह से मातम कर रहे हो, मैं तुम्हें दुआएं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें सुबह से देख रहा हूँ, पूरे पंजाब में सुबह से मजलिस से पढ़ रहा हूँ, हर जगह अज़दार निकले हुए हैं। खुदा तुम्हें हर नजर बद से महफूज रखे, मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ तुम्हें सुबह से जहरा दुआएं दे रही है। यकीन करना इस सैयदजादे की बात पर, यकीन करना जहां जहां बैठे हो सहरा तुम्हें दुआ दे रही। मैं तुमसे कोई ज्यादा नहीं सिर्फ ये कह रहा हूं हाय कह दो बस, तुम फाके से रहे ना, न मालूम कुछ लोगों ने पानी पिया होगा, कुछ ने थोड़ा सा खा लिया होगा, कमजोरी तुम्हें होगी लेकिन इतनी तो नहीं जितनी हुसैन को है। हुसैन ने 3 दिन की भूख प्यास में 72 लाशें उठाए हैं। माचवियों खुदा तुम्हें सलामत रखे, तुमने आज जंजीर का मातम किया है, कमा का मातम किया है, तुमने फातिमा के लाल के खून पर से अपने खून का पुरसा दिया है, जैनब तुम्हें दुआएं दे रही है।
यकीन करो सैनब तुम्हें दुआएं दे रही है, खुदा तुम्हारी जवानियों को सलामत रखे। ये सैयद ज्यादा हाथ जोड़कर तुमसे कह रहा है, बस चंद लम्हे में मुझे दो चार जुमले मसायद के पढ़ना है, बस मेरा साथ देते जाना, मेरा साथ देते जाना। जुमले तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, कोई बयान नहीं कर सकता कि अहले हरम किन किन मसायद से गुजरे है। रावी कहता है एक खेमे में आग लगी हुई थी, आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे, मैंने एक बुलंद कामत बीवी को देखा, वो बार बार उस खेमे में जाना चाहती है लेकिन आग की लपटें ऐसी हैं कि वो फिर बाहर आ जाती है। मैं समझा इस खेमे में इसका कोई कीमती सामान रह गया है जिसे ये लेके जाना चाहती है। आखिर में उस बीवी ने हिम्मत की और एक नारा लगाया, या अली या अबता या अली अदरक ली, और बीबी या अली कहते हुए चलते हुए खेमे में दाखिल हो गए। वो कहता मैं खड़ा रहा कि ना मालूम इस बीबी का क्या हश्र हुआ होगा, कहीं बीबी चल ना जाए। चंद लम्हों के बाद मैंने देखा कि वो बीबी बाहर आई तो उसकी पुश्त पर एक 24 बरस का बीमार। जैनब इमामत को बचा के ले आई, सलाम करो जैनब का, सलाम और शरीकतुल हुसैन पर। 24 बरस के बीमार भतीजे को आग के शोलों से बचाती हुई जैनब बाहर ले आई और ला के लिटा दिया, दरख्तों की छाव में लिटा दिया। शाम आ गई, फौज कुछ देर के लिए आराम करने चली गई, राख जले हुए खेमों की पड़ी हुई है, धुआं उठ रहा है, सामान रिसालत बिखरा पड़ा हुआ है, नबी के बेटों के टुकड़े मक्तल में बिखरे पड़े हुए हैं, नबी जिसे सीने पर सुलाते थे उसका सर नौ के सिना पर है और नबी की बेटियां सरासीमा बेहिदा बैठी हुई है। ये हश्र किया है मुसलमानों ने अपने नबी के घर वालों का, इसलिए रोना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह के घर वालों को कत्ल कर दिया गया। ये आलम है कि बीबियां बैठी हुई हैं। एक बार जैनब ने कहा कुलसोम देखो बच्चे कोई इधर गया कोई उधर गया, जरा बच्चों को समेट के लाओ, न मालूम ये बच्चे कहाँ कहाँ चले गए, देखो बच्चे कहाँ कहाँ चले गए, कुछ बच्चों को तुम ढूंढो कुछ बच्चों को मैं ढूंढती हूँ। दो बहने हुसैन की, दो बहने, दो दुखिया बहने, जहरा की दो बेटियां, नबी की दो नवासियां, अली की दो बेटियां जो कूफे में शहजादियां कहलाती थी, आज बच्चों को ढूंढने निकली हैं। एक शब्द जैनब चली, एक शब्द उम्मे कुलसूम चली, ढूंढते ढूंढते फुरात के किनारे जो दोनों बहनें पहुंची, आवाज देती हुई जा रही थी, जैनब ने कहा कुलसूम आहिस्ता बोलो, दो बच्चे यहां सो रहे हैं, दो बच्चे यहां सो रहे हैं। ये कौन बच्चे हैं, जरा करीब जाके देखा, मुस्लिम के वो बच्चे जो जौजे मुस्लिम के साथ रह गए थे, दो बच्चे मुस्लिम के साथ गए और दो जौजे मुस्लिम के साथ रह गए थे। कहा अच्छा ये भाई मुस्लिम के बच्चे हैं। जैनब ने कुलसूम से कहा कि आहिस्ता से एक बच्चे को तुम उठाओ एक को मैं उठाऊं, अभी सर्द हवा पाके सो गए हैं, बच्चों की नींद खराब ना हो जाए। दोनों बहनें जैसे ही आगे बढ़ी, जैसे ही बच्चों के करीब पहुंची, दोनों ने एक बार कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहनें चीख मार के रोई, सुनोगे औलाद वालों सुनोगे, तुम्हें कसम है चादर जहरा की, एक बार चीख जरूर मारना जब मैं जुमला कह दूं। जैसे ही बच्चों को करीब से देखा, बच्चों के सीने पर घोड़ों की चाबों के निशान, बच्चों के सीने पर घोड़ों की चाबों के निशान, बच्चे कुचल चुके थे और जैनब आवाज दे रही थी भैया क्या तुमने ही लाशें उठाए, अभी जैनब भी लाशें उठा रही। अजरकुम अल्लाह, दो लाशें लेकर लाके मक्तल में लिटा दिए गए। चलो और बच्चों को ढूंढा जाए, बच्चों को ढूंढ के ले आए, सारे बच्चे बिठा दिए गए, गिना गया, सबके नाम पुकारे गए, कहा कि सब आ गए, सकीना नजर नहीं आ रही, सकीना नजर नहीं आ रही। ये शाम गरीबा के बसाए हुए, जैसे चाहो सुनो मातमियों, मैं कह चुका हूँ तुमसे ज्यादा तमन्ना नहीं करना, थक चुके हो तुम, तुम्हें दुआएं दे रहा हूँ, तुमने मातम का हक अदा किया है, लेकिन बस ये चाहता हूँ तुम्हारी आवाज गिरिया बुलंद हो जाए, आंसू ना आए परवाह ना करना, सिर्फ हाय हुसैन कहते रहना। सकीना नजर नहीं आ रही, ये तो कुछ भी अंधेरा नहीं है, यहाँ तो शमें जल रही हैं, यहाँ तो बत्तियां रोशन हैं, वहां तो सिर्फ एक चांद की किरण थी, सिर्फ चांद की रोशनी थी। उस चांद की रोशनी में बहने ढूंढने चली, कुलसूम तुम इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाती हूँ, मेरे भैया की अमानत है,
हुसैन मेरे हवाले करके गए थे सकीना को, जब तक सकीना मिलेगी नहीं हमें चैन नहीं आएगा। उधर कुलसुम बढ़ी सकीना सकीना, इधर से जैनब बढ़ी सकीना कहाँ हो सकीना कहाँ हो। सुनना मक्तल निगाह ने जो जुमला लिखा है ना, जैनब ये कहती भी जा रही थी सकीना कहाँ हो बेटे, चारों तरफ लाशें बिखरे पड़े हैं, कहीं डर ना जाना बेटे, अंधेरा हो रहा है, कहीं डर से खौफ से डर न जाना। जैनब आवाज देती देती एक बार एक नशेब की तरफ बढ़ी तो वहां से एक सरबुरीदा लाशे से आवाज आ रही थी, जैनब आहिस्ता बोलो सकीना मेरे सीने पर सो रही है। जैनब आहिस्ता बोलो सकीना मेरे सीने पर सो रही है। जैनब तड़प के रह गई। अब जो नजदीक गई देखा भाई का सर बुरीदा लाशा पड़ा हुआ है, और सकीना भाई के सीने पे सर रखकर बाबा के सीने पे सर रखकर आराम से सो रही है। जैनब आगे बढ़ी सकीना को आहिस्ता से जगाया, सकीना उठो सकीना बेटी उठो। सकीना ने आंखें खोली पुपी को देखा फिर बाबा के सीने से लिपट गई। सकीना को गोद में उठाया, सकीना चलो बेटा जहां सब है वहां चलो। अब लेके चली तो पूछती हुई जा रही थी सकीना हुआ क्या बेटा, तू इस लाशें तक कैसे आ गई, तुझे कैसे पता।